रेस्टोरेंट में लीगल नोटिस देखकर अनुपमा को लगा बड़ा शौक और रेस्टोरेंट की याद में बहुत ज्यादा रोएगी अनुपमा। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब अनुपमा अपना काम करके आधी रात को रेस्टोरेंट में ताला बंद करके चली जाएगी और जैसे ही सुबह श्रुति अनुज की शादी का फाइनल काम करने के लिए अनुपमा रेस्टोरेंट में आएगी और रेस्टोरेंट के आगे बहुत ज्यादा भीड़ देखेगी, अभी अनुपमा को काफी ज्यादा अजीब लगेगा। जहाँ पर जब अनुपमा आगे जाएगी और अपने रेस्टोरेंट के मेन गेट यानी कि दरवाजे को देखेगी, तभी अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और अपने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर लीगल नोटिस लगा हुआ देखकर अनुपमा के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर जब अनुपमा अपने रेस्टोरेंट के दरवाजे को छुएगी और लीगल नोटिस में क्लोज्ड लिखा हुआ यानी कि बंद लिखा हुआ देखेगी, तभी अनुपमा की आंखों से आंसू आ जाएंगे और अनुपमा रो पड़ेगी। यहाँ पर अनुपमा को अपनी सारी पिछली यादें याद आएगी कि उसने किस तरह की सिचुएशन में अपनी रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी और उनके साथ काम करने वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे। ये सब याद करती हुई अनुपमा बहुत ज्यादा हद से ज्यादा रोएगी। जहाँ पर जब यशदीप पीछे से अनुपमा के पास आएगा और यशदीप अनुपमा को कहेगा कि अनुपमा हमारे रेस्टोरेंट पे अब लीगल नोटिस लग चुका है, अब ये हमारा रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो चुका है, तभी यह सुनकर अनुपमा को यशदीप पर गुस्सा आ जाएगा और अनुपमा अपने मन का सारा गुस्सा यशदीप पर फोड़ेगी और यशदीप को कहेगी कि सर आपको पता था कि यहाँ पर आज ही के दिन नोटिस लगने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ये पता है कि ये जब नोटिस आता है या फिर दुनिया का कोई भी नोटिस आता है तो वो बहुत दिन पहले ही आ जाता है, इसलिए क्या ये बात आपको पता थी कि रेस्टोरेंट में ताला लगने वाला है। तभी यह सुनकर यशदीप कुछ बोल नहीं पाएगा और अनुपमा यशदीप की यही चुप्पी से पहचान लेगी कि यशदीप झूठ कह रहा है, उसे पहले से ही पता था कि रेस्टोरेंट के बंद होने का नोटिस आ चुका है। ये अपने मन में एहसास करके अनुपमा यशदीप को कहेगी कि बोलिए, तभी यशदीप कहेगा हाँ अनुपमा मुझे पता था लेकिन आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखकर मैं तुम्हें नहीं बता पाया। जिसे सुनकर अनुपमा को काफी बड़ा शौक लगेगा और अनुपमा यशदीप को फटकार लगाती हुई कहेगी कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, आपने ये बात मुझे कल क्यों नहीं बताई, मैं सब कुछ बंद होने का इंतजाम कर देती, आखिर यहाँ पर एक ही रेस्टोरेंट की जगह थोड़ी ना है, कितनी सारी जगह खाली पड़ी है, मैं वहाँ जाकर रेस्टोरेंट शुरू कर देती और आज तो इतना बड़ा ऑर्डर भी देना था श्रुति अनुज की शादी के लिए, तो वो मैं कैसे दूंगी। जिसे सुनकर यशदीप कुछ बोल नहीं पाएगा और ये बात जब अनुज को पता चलेगी कि अनुपमा का रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, अनुपमा के रेस्टोरेंट पे लीगल नोटिस आया है, तभी यह जानकर अनुज के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर जब अनुज श्रुति की शादी में तैयार ना होकर अनुपमा के रेस्टोरेंट को देखने के लिए जाएगा और अनुज अनुपमा को रोता बिलखता हुआ देखेगा, तभी अनुज को दिल से काफी ज्यादा बुरा लगेगा। जहाँ पर जब अनुज अनुपमा के पास आएगा और पीछे से अनुपमा के कंधे पर हाथ रखेगा और कहेगा कि अनु, तभी अनुपमा अनुज को देखेगी, तभी अनुपमा को काफी बड़ा शौक लगेगा और अनुपमा अनुज को कहेगी कि आई एम रियली सॉरी, मैं ये कहना तो नहीं चाहती कि आपकी शादी का मैं ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर सकी, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज मेरे रेस्टोरेंट पे ताला लग चुका है, अब मैं आपका ऑर्डर कैसे कंप्लीट करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे सारे सपने टूट गए। यह सुनकर अनुज अनुपमा को कहेगा कि कोई बात नहीं अनु। जिसे सुनकर अनुपमा को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब श्रुति और आध्या आएगी और अनुज को अनुपमा के करीब देखेगी, तभी श्रुति और आध्या को काफी बड़ा शौक लगेगा और अनुपमा का रेस्टोरेंट क्लोज हो जाने की वजह से अनुज श्रुति के साथ यह शादी तोड़ देगा और बाद में रखने के लिए फैसला करेगा, और अनुज श्रुति के साथ शादी तोड़कर सही करेगा क्या नहीं, और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, अनुज अनुपमा की क्या फिर अनुज श्रुति की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।